हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना? तो जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं राजनीतिक शास्त्र, बीए सेकेंड ईयर, सेमेस्टर हमारा फोर्थ है और यूनिट हमारी थर्ड है, ठीक है? और प्रश्न संख्या हमारा भी कौन सा है? फोर्थ है, ठीक है? लॉन्ग प्रश्नों को हम देख रहे हैं। अब इस प्रश्न इसी क्रम में हम तीन प्रश्नों को देख चुके हैं पहले, ये आपका चौथा प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है सबसे पहले ये देखेंगे, ठीक है? और फिर हमें इसमें कैसे लिखना है वो देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों? प्रश्न जो है आपसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न आपसे कह रहा है कि शासन के संबंध में एक्विनास के विचारों का क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है? शासन के संबंध में एक्विनास का जो विचार था उन विचारों का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे प्रश्न में, जैसा आपको दिखाई दे रहा है वही हेडिंग डाल देंगे कि शासन पर एक्विनास के विचार, ठीक है? आप बात कर लें, ये आपकी क्या होगी, हेडिंग होगी, ठीक है? शासन पर एक्विनास के विचार। तो राज्य के वर्गीकरण के संबंध में एक्विनास अरस्तु के विचारों को ही आदर्श मानता है। किसके? अरस्तु को, विचारों को आदर्श मानता है कौन? एक्विनास। तथा अरस्तु की भांति सामान्य हित पर, ठीक है, आधारित। ये क्या है? आधारित है। ये आधा वहां पर रित आगे पहुंच गया तो आधारित हो गया, ठीक है? ये क्या है? इस पर आधारित है, ठीक है? किस पर? अरस्तु की भांति सामान्य हित पर आधारित, ठीक है? राज्यों का वह अच्छा और न्यायपूर्ण तथा केवल अपने हित को, ठीक है, अपने हित को लक्ष्य मानने वाले राज्य या शासन प्रणाली को निकृष्ट मानता है, ठीक है, निगण मानता है। अब उसने छह प्रकार के राज्य बताए, ठीक है? राज्य जो है छह प्रकार के बताए हैं। वह निरंकुश शासन तंत्र को सबसे खराब बताता है, ठीक है? क्या बताता है? सबसे खराब कौन सा? निरंकुश शासन है। यह उनकी दृष्टि में राजतंत्र का भ्रष्ट स्वरूप है। कैसा है? भ्रष्ट स्वरूप है। उसके उपरांत कुलीन तंत्र, ठीक है? अब उसके बाद कौन सा? कुलीन तंत्र हो गया और आपका मध्यवर्गीय जनतंत्र हो गया, ठीक है? कौन सा? मध्यवर्गीय जनतंत्र हो गया। अगला कौन सा हो जाएगा? सामान्य तंत्र हो जाएगा और लोकतंत्र का क्रम आता है, ठीक है? ये सब क्रम में आते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो अब हेडिंग डालेंगे कौन सी आप? राजतंत्र सर्वोत्तम शासन, ठीक है? राजतंत्र जो है सर्वोत्तम शासन है। चलिए अब इसमें क्या लिखना है आपको, तो विभिन्न शासन प्रणालियों में, ठीक है, अरस्तु का झुकाव कुछ सीमा तक मध्यवर्गीय लोकतंत्र की ओर था। किसकी तरफ था? मध्यवर्गीय लोकतंत्र की तरफ था, किंतु एक्विनास का झुकाव राजतंत्र की ओर है, ठीक है? एक्विनास का किधर है? राजतंत्र की ओर है। अरस्तु का किसकी ओर था? मध्यवर्गीय लोकतंत्र की ओर था। उसने राजतंत्र के समर्थन में अनेक तर्क दिए, ठीक है, अनेक तर्क दिए। उसका विचार था कि एकता समाज का क्या है? मुख्य ध्येय है। एकता जो है समाज का मुख्य ध्येय यानी मोटो है। अतः सरकार के संगठन में एकता लाने के लिए शासन की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए, ठीक है? शासन की बागडोर जो है किसके हाथ में होनी चाहिए? एक व्यक्ति के हाथ में रहनी चाहिए अगर सरकार को संगठन में एकता लानी है तो। समाज का कल्याण इसी में है कि उसकी एकता की सुरक्षा हो सके, ठीक है? समाज का कल्याण किसमें है? किसकी एकता की सुरक्षा हो सके तथा शांति स्थापित रह सके। और यह एकता एकमात्र संगठन के आधार पर ही स्थापित कर सकती है, ठीक है? अतः राज्य में एक व्यक्ति का ही शासन उचित है, ठीक है? राज्य में जो है एक व्यक्ति का शासन ही क्या है? उचित है। अब राजतंत्र के औचित्य को सिद्ध करने के लिए वह अनेक उदाहरण देता है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों पर हृदय का शासन होता है, ठीक है, शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उन पर किसका? हृदय का शासन होता है। मधुमक्खियों पर रानी मक्खी का शासन होता है और समस्त ब्रह्मांड में एक ईश्वर का शासन है, उसी प्रकार राज्य में एक व्यक्ति का शासन होना कैसा है? होना उचित है, ठीक है? अब आगे बात करें इस अंतिम सादृश्य, ठीक है, इस अंतिम सादृश्य को एक्विनास सर्वाधिक महत्व देता है और उसके अनुसार राजतंत्र सर्वेस कैसा है? सर्वश्रेष्ठ यानी बेस्ट है, ठीक है? कैसा है? बेस्ट शासन है, क्योंकि यह ईश्वरीय शासन के सर्वाधिक अनुरूप है। उसके अनुसार विभिन्न राज्यों के क्रियात्मक अनुभव से यह सिद्ध होता है कि राजतंत्रात्मक प्रणाली सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है? जहां प्रजातंत्रीय प्रणाली है वहां अनेक प्रकार के झगड़े फूट हो गए, ठीक है? अनेक प्रकार के क्या हो गए? झगड़े हो गए, फूट हो गए, दलबंदियां हो गई, ये सभी चीजें क्या होती हैं? दिखाई देती हैं। किंतु राजतंत्र में सदैव शांति और श्रद्धि दिखाई देगी, ठीक है? क्या दिखाई देगी? शांति और श्रद्धि।
राजतंत्र का एक बड़ा दोष क्या, तानाशाही और अत्याचारी शासन में क्या होता है, परिणित हो जाना। क्या है ये सबसे बड़ा दोष है, तानाशाही आना, ठीक है। परंतु एक्विनास का विश्वास है यह बुराई भी राजतंत्र की अपेक्षा प्रजातंत्र में ही अधिक पाई जाती है, ठीक है। थॉमस भी जॉन ऑफ कस सेलिवरी, ठीक है, जॉन ऑफ सेलिसवरी की भांति अत्याचारी शासन के क्या है, विरुद्ध है, ठीक है। कौन, थॉमस, ठीक है, इसके क्या अत्याचारी शासन के विरुद्ध होता है। किंतु किंतु थॉमस सेलिसवरी, ठीक है, थॉमस सेलिसवरी की भांति जनता को अत्याचारी शासन के विरुद्ध क्रांति का अधिकार नहीं देता है, ठीक है। क्या नहीं देता है, क्रांति का अधिकार नहीं देता है। अब उसके अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि राजा की हत्या से प्रजा को अत्याचार हो, ठीक है। राजा की हत्या क्या है, कि यह आवश्यक नहीं कि राजा की हत्या है ना, राजा की हत्या हो जाए तो इसकी हत्या से प्रजा को अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। थॉमस ने राजतंत्र को वंशानुगत रखने के बजाय निर्वाचित कर देने की परंपरा का समर्थन किया है, ठीक है। थॉमस का यह भी कहना है, क्या कहना है थॉमस का, यह भी कहना है कि निर्वाचन के पश्चात, ठीक है, जब निर्वाचन हो जाएगा, राजा का निर्वाचन हो जाएगा, यानी राजा का निर्वाचन कैसा, वंशगत ना होकर कैसा हो, निर्वाचन हो, और निर्वाचन के पश्चात राजा पर शपथ द्वारा यह बंधन लगाया जाना चाहिए कि वह शासन कार्य संविधान के अनुसार ही करेगा, ठीक है। आगे बात करें तो अगली हेडिंग डाल देंगे आप लोग क्या, सरकार के कार्य, ठीक है। तो थॉमस के अनुसार शासन का सबसे प्रमुख कार्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना है जिसके अंतर्गत उसके प्रजाजन, ठीक है, उचित जीवन व्यतीत कर सके, ठीक है, उसे समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित, ठीक है, समाज में क्या है, शांति और व्यवस्था स्थापित रखकर मानवीय सुख की आधारशिला रखना है, ठीक है। अब उसने शासन को निम्न कार्य सौंपे, क्या कार्य थे, चलिए पॉइंट वाइज देखते हैं कौन कौन से कार्य थे। तो सबसे पहला कार्य कि शासन के द्वारा कानूनों के उचित पालन की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, ठीक है। आगे दूसरा पॉइंट, तो उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं और आक्रांताओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए। अगला पॉइंट, सड़कों को, ठीक है, सड़कें जो हैं, सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रवों से क्या रखना चाहिए, उपद्रवों से बचा कर, है ना, या सुरक्षित, यहाँ पर सुरक्षित होना चाहिए, सुरक्षित मिसिंग है, ठीक है, क्या रखना चाहिए, सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ठीक है, सुरक्षित यहाँ पर मिसिंग है, कोई बात नहीं, अगले देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर फोर्थ, शासन के द्वारा, ठीक है, शासक के द्वारा अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलाई जानी चाहिए, ठीक है, यानी कि विशेष मुद्रा पद्धति चलाई जानी चाहिए और भार एवं तौल की समुचित प्रणाली निश्चित की जानी चाहिए, ठीक है, भार और तौल की जो है समुचित प्रणाली निश्चित की जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर फाइव, ये क्या कहता है, तो राज्य के द्वारा अपनी जनसंख्या को सीमित रखा जाना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या को कैसे रखना चाहिए, सीमित रखना चाहिए। अगले हेडिंग डाल देंगे आप निष्कर्षता, ठीक है, या निष्कर्ष लिख दीजिए या निष्कर्षता लिख दीजिए, बात एक ही है। तो थॉमस, ठीक है, थॉमस राजनीति के क्षेत्र में उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन अरस्तु की कृतियों और उसके विचारों का पुनर्जीवन है, यानी कि आपने जो लिखा उसका बस निचोड़ लिखना है, यहाँ पर निष्कर्ष लिखना है, ठीक है। शताब्दियों से विस्मृत यूनानी दार्शनिकों का परिचय मध्ययुगीन यूरोप, ठीक है, को कैसा, एक्विनास के माध्यम से ही हुआ है, ठीक है। अब आगे बात करें तो एक्विनास की देन के संबंध में सेवाइन ने लिखा है, क्या लिखा है सेवाइन ने, कि वस्तुतः एक्विनास ने एक ऐसी व्यावहारिक पद्धति खोजने की चेष्टा की जिसके अनुसार ईश्वर, प्रकृति और मानव के मध्य घनिष्ठ संबंध हो और जिसमें समाज एवं शासन, सत्ता एक दूसरे के साथ देने के लिए क्या हो, तैयार हो, एक दूसरे का साथ देने के लिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है प्रश्न जो है आपका यहाँ पर समाप्त होता है, आपको क्या करना है, जैसा मैं हर बार बोलता हूँ आपको क्या करना है, वीडियो को काटना नहीं है, बस आपको क्या करना है फिर से एक बार से जैसी स्पीड आपको अच्छी लगे उस स्पीड में लगाकर जो आप समझ सकें उस स्पीड में एक बार फिर रिवाइज कर देंगे, जिससे आपका क्या होगा कि आपने जितना पढ़ा है वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा और लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।